नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल काशवी यशवी कलेक्शंस में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूज प्लाजो। इसके लिए मैंने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है, तो यहाँ पर बंद वाली साइड मेरी तरफ है। यहाँ पर पहले मैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पूरे में मैं पहले 3.5 इंच पर निशान लगा के एक सीधी लाइन लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर 4 इंच मैं अंदर की तरफ ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हिप साइज है 42 इंच, 42 उसका हम चौथाई भाग करेंगे जो आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में मैं 2 इंच ऐड करूँगी, 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। ये जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था, उससे बाहर की तरफ हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी मैं 4.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ और यहाँ से फिर 12.5 इंच मैं बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से लाइन को सीधा करके बाहर की तरफ 3.5 इंच पर निशान मैं लगा लूँगी। ये किसी भी साइज़ के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये लूज़ प्लाजो हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन को सीधा करके और ये जो आसन वाली आसन का जो हमारा निशान था, उससे इस तरह से गोलाई में ले जाते हुए इनको हम मिला देंगे। हल्की से हमें गोलाई करनी है और इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैं लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ 34 इंच पे, और तैयार मुझे चाहिए 34.5 या 35 इंच। तो आधा इंच का अगर इसमें कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूज़ प्लाजो है, इसका आसन हम बड़ा रखते हैं। पेंट जो अगर हम बनाते हैं तो उसमें इन आधा इंच का भी फ़र्क पड़ता है, तो उसमें हमें बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से लेना होता है। तो देखिए, यहाँ पर 34 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ऊपर जो हमने गोलाई में निशान लगाया था, वहाँ से 34 इंच पर मैं मापते हुए नीचे भी इस तरह से गोलाई में ही निशान लगता जाएगा। अब यहाँ पूरी तरह से सारा निशान लग चुका है, तो अब कोने के साइड के निशान को मैं मिलाती हूँ ऊपर तक, और नीचे की गोलाई को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया में गोलाई दे देती हूँ, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो इसे हमने जॉर्जेट के कपड़े को इस पर रख के सिर्फ आसन तक का जो हमने निशान है वो लगाना है, बाकी हम नीचे की तरफ से इतना लूज़ नहीं लेंगे जितना हमने मेन कपड़ा लिया है। तो इस तरह से इसको निशान लगा के हम कट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हम इसी को उल्टा करके रखेंगे और बाकी के 2 पीसेस जो हमें चाहिए वो भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग भी कट गई है। अब सबसे पहले हमने आसन जोड़ लेना है, तो हमने ये जॉर्जेट के 2 पीसेस का आसन जोड़ लिया है। 2 पार्ट्स को हमने एक एक करके जोड़ लेना है। पहले हमने एक पार्ट जोड़ लिया और दूसरा पार्ट भी हमने फिर जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, साइड की दोनों तरफ की हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने साइड से भी सिलाई लगा ली है, आप देखिए। अब इसकी बेल्ट मेजर कर लेते हैं। इसकी बेल्ट है 12.5 इंच। अब हम बेल्ट काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके ये कपड़ा लिया है, इस पर हमने 4-4 इंच पर निशान लगा लेना है,
और इसकी हमने लंबाई रखनी है 13.5 इंच, क्योंकि 12.5 इंच हमारी बेल्ट हमने मेजर की थी, तो 1 इंच हमें उससे एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरह से ये दो पट्टियाँ जो हैं मेरे पास आ जाएंगी बेल्ट के लिए। अब हम लाइनिंग ले लेते हैं। लाइनिंग को हम आसन से जोड़ लेंगे पहले दोनों पीस, जिस तरह से हमने मेन कपड़े को जोड़ा था। तो आसन और साइड की सिलाई मैंने लगा ली है जिस तरह से हमने मेन कपड़े पे लगाई थी। अब हम इसे जो जॉर्जेट का कपड़ा था उसके अंदर हमें डालना है, और सिर्फ बेल्ट के हिस्से से, कमर के हिस्से से हमने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग को हम पूरा जॉर्जेट के कपड़े से नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हमें बेल्ट से ही इसको अटैच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और इसे अलग रहने देना है। ये इससे हमें क्या होगा कि प्रेस करने में भी आसानी रहेगी और ये ज़्यादा फूला फूला सा भी नहीं रहेगा। अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जॉर्जेट को मैं पिको करूँगी और लाइनिंग के कपड़े को मैं बारीक फोल्ड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको पिको कर लिया है और लाइनिंग को फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप देखिए ये दोनों पीसेस अलग अलग हैं। अगर हमें प्रेस भी करना है तो हम लाइनिंग को अलग निकाल कर प्रेस कर सकते हैं और जॉर्जेट के कपड़े को अलग। अब हमने सेंटर की भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी बेल्ट को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से बेल्ट को हमने सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद बारीक बारीक ऊपर से फोल्ड करते हुए हमने नेफा इसका बना लेना है। सिलाई पर रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। प्लाजो की कमर के हिस्से में हमने ऊपर की तरफ गोलाई दी थी, इसलिए हो सकता है चुन्नटें हमें देनी पड़े बेल्ट लगाते समय। तो आप अंदर की तरफ हल्की हल्की सी चुन्नटें अगर आपको ज़रूरत हो तो आप दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने पूरा नेफा फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर खुला छोड़ा इलास्टिक डालने के लिए। बेल्ट का हिस्सा जो हमने मेजर किया था वो आया था हमारा 12.5 इंच, तो 12.5 का मतलब यहाँ पर डबल कर लेते हैं 25 इंच। 25 इंच की इलास्टिक से मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। आप अगर लूज़ इलास्टिक पहनते हैं तो आप 4-5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरह इलास्टिक को मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डाल लेती हूँ। अब इलास्टिक डल चुकी है, अब इसको अच्छे से आपको खींचना है जब तक इलास्टिक पूरे कमर के हिस्से में अच्छे से बराबर तरीके से ना फैल जाए। जो हमने खुला हिस्सा इलास्टिक के लिए छोड़ा था वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें बीचों बीच एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब हमारा ये प्लाज़ो रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा फ्लेयर आया है इसका, बिल्कुल सर्कुलर प्लाज़ो वाली लुक देता है ये। आप इसको पहन सकते हैं शॉर्ट कुर्ती के साथ भी, लॉन्ग कुर्ती के साथ भी, और बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।